रह गए, क्योंकि एक बार गृह मोनिका पर यह जीजा थी, इस कारण ब्याह में भी जो प्रदीप है वो नहीं गया था। ये माता जी ने बयान दिए थे प्रदीप की माता जी ने, कराजीन था और वो शादी में भी नहीं गया था, बोला जे ओड़ा यू चला गया मैं जाऊँगा ओड़ा बहुत बड़ा। मोनिका इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैम सच्चाई है, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ आपको कि अगर मैं तो गलत होती तो मेरा आदमी मेरे सिस्टर के साथ कैसे फोटो खिंचवा लेता। ये दिल्ली की है मैम, जहाँ पे ये मेरी सिस्टर घूमने के लिए गई हुई थी, वहाँ पे मेरे आदमी ने इनके लिए सब कुछ किया था। अच्छा। 3-4 मतलब 1000 रुपये का इनको खाना भी खिलाया, होटल में भी लेके गया, मतलब जो जो जहाँ जाए घूमे इनके साथ थे बिल्कुल। उसकी मेरे पास पिक्चर है मैम, मेरे पास उनकी। ये देखो ये फोटो है इसकी सिस्टर की है और जो मेरे आदमी की मैडम की है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपका जीजा के लिए भी कुछ फोटो है? मैं मैडम ये खींच रखी है मेरे इसने भी। तो क्योंकि देखो ये मेरे जीजा सिस्टर और ये मेरे आदमी का फोटो खींचा हुआ है, तो तीनों के तीनों यहीं खड़े मैडम, ये दिख रहा है मैडम के फोटो की। हाँ वही है मैडम, वही जगह है, वही सब कुछ है, आप देख सकते। तो ये देख लियो क्योंकि ये बात है थी, इतने गलत होते तो मैम मेरे हस्बैंड इनके साथ इतने अच्छे से वो नहीं रखता मैम, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो मैडम। और भी मैम इसके बच्चे के साथ भी फोटो ली हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ। यो बेटा है, देख लो इसकी सिस्टर, यो मेरी सिस्टर का चौकी मेरे पति के साथ है, ये उसी रात की वही फोटो है। प्रदीप की उसके लिए भी, आपका जीजा के लिए भी कोई फोटो? नहीं मैम वो ऐसी कुछ। आपका ससुर जी हैं जो आप लगा रहे हैं, ये बयान बदला थी बार बार, अभी सर रख दी मेरा तरखवा दी, इन बातों कितनी? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, नाली में थी मैम, ये बयान पुलिस के सामने मैंने एक ही बार दे रखी है, ये बयान आप मेरे से कभी भी, चाहे मैम 10 साल हो चाहे मतलब उसी टाइम, और पुलिस इतनी वो नहीं है मैम, पुलिस ने जो पूछा मैंने हर एक तरह की तस्दीक की, हर एक तरह के जवाब दिए मैडम, पुलिस के सामने भी यही बयान है मैम, मैंने कोई बयान नहीं चेंज नहीं कर रखे, और आपके सामने भी यही बयान है, 2-3 और मीडिया वाले आए इनके सामने भी यही बयान है, हमेशा मेरे यही बयान रहेंगे मैम, जो मैंने देखा है वही सच्चाई मैम, मैं ना कोई झूठ बोल रही ना मैं कोई बनावटी बात बना रही मैडम, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं मैडम। और मैम मैं ये बात बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे पति का मेरे को इंसाफ चाहिए है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात मेरे पति के साथ हुआ तो हुआ क्या। एक मैं जनता से चाहूँगी कि मेरी बेटी मेरे पास लाई जाए, क्योंकि मेरी बेटी को बार बार टोच खाई जा रही है, एक बच्चे को बार बार वही पाठ पढ़ाया जाएगा तो गुड़िया तो बार बार बोलेगी। और मैम मैं ये चाहती हूँ कि मैं और वो मेरा परिवार है, मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत मेरी इज्जत अलग नहीं है, कि मेरा हर एक इज्जत मतलब मीडिया के सामने उछले, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी उनसे पहले कि मेरे को अपनी परिवार के अपनी ससुराल वालों की इज्जत से बहुत वो था मैम, तो मैं और आगे वीडियो ना जनता को कोई सफाई देना चाहती ना और कुछ, पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस के ऊपर हूँ मैम, MT थाने वाले मेरे को जिस टाइम बुलाएंगे जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे मैडम, मेरे को जनता से कोई वो मतलब नहीं मैडम, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे परिवार मेरे को उस परिवार में आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा मैम जरूर। अच्छा, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि वो जो देवर वाला लड़का उसने भी खत्म करना चाहा, बोला अपना खुद का बेटा ने भी खत्म करना चाहा। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना मैंने कभी ऐसा कुछ बोला मैडम, और मेरे देवर का जो लड़का है हमेशा मेरे पास ही रहता था, वहाँ पर गाँव में भी आप जाकर पूछ सको, आज भी मेरी बड़ी बेटी बता रही जो उनके बीच रहती थी, दादी ने एक छोटे बच्चे से ये सवाल किया कि वो मेरे को मम्मी बोलता है कि तू छोटी इस मम्मी के पास रहना चाहता है या उस मम्मी के, उस लड़के ने जहाँ के वो मतलब अभी बोलना ही सीखा है, उस लड़के ने भी ये जवाब दिया कि मेरे को बड़ी मम्मी के पास जाना है, जहाँ की उसकी खुद की जिसने वो पैदा किया है उस मम्मी के पास भी नहीं रहना चाहता, तो मैं ऐसा क्यों, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी जरूर। तो वीडियो देखो आपने सारी देख ली, मोनिका ने सारी बात क्लियर कर दी है, खुद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि भाई यू इतना उलझा है जो केस है, इसमें आपने के लगा है कितनी केस सच्चाई है, क्योंकि सारे दोनों पक्ष शामिल आ गए हैं। मन्ने तो इजाजत, जय हिंद जय हरियाणा।